धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवास्सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां पर्वशश्चैतन्यमूर्ते पराम् कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां श्रीगोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु, इस अखिल विश्व के अंदर परम पवित्र पुनीत श्रीमद् भगवत गीता को प्रवाहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के अध्ययन सत्र के अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं, जिस अध्ययन सत्र के अंदर मानव जन कल्याण को करने वाली श्रीमद् भगवत गीता का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय द्वितीय, तो दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक तक हमने अध्ययन करा। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सबसे पहला उपदेश अर्जुन को जो दिया हुआ है, उस उपदेश को हम सब ने यहां पर सुना कि उस उपदेश के अंदर भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, एक तरफ तो तू जिन वस्तुओं के विषय में शोक नहीं करना चाहिए उन वस्तुओं के विषय में तू शोक करता है, और दूसरी तरफ तू अपने आप को पंडित बोलता है, पंडितों जैसी बातें करता है। तो इसलिए हे अर्जुन, जो वस्तु समाप्त होने वाली है और जो वस्तु समाप्त हो चुकी है, इनके विषय में जो पंडित होते हैं वो कभी भी शोक नहीं करते हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। तो यहां पर भगवान जी ने पंडित शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो भगवान जी अर्जुन को पंडित क्यों कहते हैं और पंडित किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को सत और असत वस्तु का ज्ञान हो जाता है उसे पंडित कहा जाता है, अर्थात पंडा कहा जाता है बुद्धि को। पंडा येषाम अस्ति ते पंडितः, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, विचार करने की शक्ति होती है, विवेक करने का जो प्रभाव होता है उसे पंडित कहा जाता है। तो यहां पर भगवान जी ने क्या कहा हुआ है कि जो वस्तु जाने वाली है, अर्थात जो अनित्य वस्तु है, और जो वस्तु सदा रहने वाली है नित्य वस्तु, उन वस्तुओं के विषय में जिसकी बुद्धि विचार कर सकती है उसे पंडित कहा जाता है। और भी पंडित के हमें बहुत सारे अर्थ प्राप्त होते हैं, पंडित किने किने कहा जाता है, जैसे भगवान जी ने गीता में ही दूसरे श्लोक के अंदर किसी में कहा हुआ है कि जो व्यक्ति सुनी चैव श्वो पाके च पंडिता समदर्शिना, जो व्यक्ति कुत्ते को और चंडाल को और एक विद्वान को एक समान देखता है उसे भी पंडित कहा जाता है, और मात्रवत परदारेषु लोष्टवत परधनेषु पश्यति स पंडित आत्मवत सर्वभूतेषु, कि जो व्यक्ति अपने जैसे सभी को देखता है और दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखता है और दूसरे की स्त्री को माता के समान देखता है उसे भी पंडित कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमें अर्थ प्राप्त होते हैं पंडित किसे कहते हैं। तो यहां पर भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि जो पंडित होते हैं, पंडित सत वस्तु क्या होती है असत वस्तु क्या होती है और इन वस्तुओं को जानकर अच्छी तरह से इन वस्तुओं के अंदर हमने शोक को प्राप्त नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति क्या है पंडित कहलाते हैं। तो सत वस्तु क्या होती है असत वस्तु क्या होती है इसके विषय में आगे भगवान जी समय पर हमें बताते रहेंगे। तो इसलिए जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही जो जानता है उसे पंडित कहा जाता है, और
ज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु के यथा तथ्य स्वरूप को जानना ज्ञान कहलाता है। जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मिश्रता नहीं होती उसे ज्ञान कहा जाता है। जे जैसे असे ते तैसे जानिजे ते ज्ञान। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्मविद्या शास्त्र के अंदर ज्ञान का लक्षण क्या बताते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना ज्ञान कहलाता है। तो भगवान जी यहां पर भी यही बोलते हैं, सत वस्तु को सत जानना, असत वस्तु को असत जानना, ऐसे शुद्ध ज्ञान को जो जानता है उसे पंडित कहा जाता है। ऐसा भगवान जी ने यहां पर पंडित शब्द की जो व्याख्या हुई है की हुई है। और जो दूसरे व्यक्ति सत वस्तु को असत कहते हैं, असत वस्तु को सत कहते हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि कैसी है, पशु बुद्धि, क्योंकि पशुओं को क्या है, ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे है, वो पंडित नहीं हो जाते हैं, वो कैसे है, वो मूर्ख व्यक्ति हो जाते हैं। तो जब आचार्य सुखदेव परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करवाते हैं तो उस समय भी जो आचार्य सुखदेव हैं परीक्षित से क्या कहते हैं कि हे राजन, अब तुम अपनी पशु बुद्धि छोड़कर जो मनुष्य की बुद्धि है उस बुद्धि को धारण करो कि मैं मर जाऊंगा। उस समय परीक्षित क्या कहती हैं, परीक्षित को तक्षक नाग ने जो डंक मारा हुआ है और 7 दिन के अंदर परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, और परीक्षित सुखदेव जी के पास जाकर यही बोलते हैं कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, तो मुझे कुछ उपाय बताओ। तो सुखदेव परीक्षित को यही बोलते हैं कि हे राजन, अपनी पशु बुद्धि को छोड़कर मनुष्य बुद्धि को धारण करो क्योंकि मैं मर जाऊंगा। ऐसा कौन कहता है जो पशु होते हैं, और जो मनुष्य होता है, जो पंडित होता है, वो कभी ये बोलेगा नहीं कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि भगवान जी ने क्या बोला हुआ है, सत और असत। सत अर्थात जिसका कभी भी नाश नहीं होता, अर्थात आत्मा। असत अर्थात जिसका नाश हो जाता है, वो है शरीर। नाश अर्थात शरीर का नाश होने के बाद क्या है, हमें दूसरा शरीर भी मिलना है। तो यहां पर सुखदेव जी भी क्या बोलते हैं, आत्मा क्या है, कभी मरती नहीं। शरीर कल भी हमारे पास था, आज भी हमारे पास है, और आने वाले कल में भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि का त्याग करके मनुष्य बुद्धि को धारण करो, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर अगर मर गया तो दोबारा फिर मिलने वाला है। तो मैं मर जाऊंगा, ये जो तत्व है ये बिल्कुल का बिल्कुल मिथ्या है। तो इसीलिए आचार्य सुखदेव परीक्षित को आरंभ के अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर 12.5.2 के अंदर ये बात बताते हैं, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 11 के अंदर यही पंडित का लक्षण भी बताते हैं कि पंडित किसे कहा जाता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सत वस्तु के विषय में और असत वस्तु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, या कैसा अनुचित शोक होता है, इस विषय में भगवान जी आगे बताते हैं। नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो यहां पर श्लोक के अंदर न आया हुआ है, और अक्सर हम गलती कहां पर करते हैं, न को हम बोलते हैं ना। अक्सर जो ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर कोई भी स्वर आद भाव से नहीं लगा हुआ है, स्वर बीच में है लेकिन आद भाव से अधिक नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम कभी ना कभी उसका उच्चारण कैसे करते हैं, ना। शब्द का उच्चारण कैसा होना चाहिए, स्पष्ट, जो लिखा है उसे वैसा ही बोलना है। ज्ञान क्या था, जो जैसा है उसे वैसे ही सुनना पढ़ना बोलना, उसे ज्ञान कहा जाता है। तो यहां पर न को
कभी भी ना का उच्चारण हम सबने नहीं करना है। तो भगवान जी क्या कहते हैं, जातु अहम न आसम। जातु अर्थात किसी काल के अंदर, अहम न आसन, मैं नहीं था। भगवान जी यहां पर स्वयं के विषय में बात बोलते हैं। और तुम न इमे जनाधिपा, तुम अर्थात किसी एक काल के अंदर तू भी नहीं था। न इमे जनाधिपा, और किसी एक काल के अंदर ये जो राजा लोग तू यहां पर देखता है युद्ध भूमि के अंदर, किसी एक काल के अंदर ये लोग भी नहीं थे। न तू एव, यह बात भी नहीं है। भगवान जी कहते ऐसा नहीं। भगवान जी ने नकारात्मक वस्तु बोलकर फिर उसका खंडन कर दिया हुआ है। सीधा सीधा भगवान जी ने बात नहीं बोली कि ये भी है, मैं भी हूं, तू भी है। भगवान जी पहले नकारात्मक बोलते हैं फिर उसका खंडन करते हैं। च अतः परम वयम सर्वे न भविष्याम। च अर्थात और, अतः इसके परम पश्चात बाद में भविष्य में, वयम सर्वे न भविष्याम। वयम कहते हैं हम सबको, मैं तू और सब लोग, सब राजा लोग, हम सभी भविष्य में नहीं रहेंगे। एव न, यह बात भी नहीं है। भगवान जी क्या कहते हैं कि किसी एक काल के अंदर मैं नहीं था, तू भी नहीं था, ये राजा लोग भी नहीं थे, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर मैं नहीं रहूंगा, तू नहीं रहेगा, ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। समझ आ रहा कुछ? अर्थात तीन काल बताए गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आज के भाषा के अंदर पास्ट अर्थात भूतकाल जो बीत चुका हुआ है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो समय बीत चुका है, क्या हम उस समय नहीं थे? अर्थात हम थे। और प्रेजेंट के समय में भगवान जी ने यहां पर नहीं बोला, क्योंकि प्रेजेंट क्या दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहे मतलब हम सब हैं। और फ्यूचर के अंदर, भविष्य काल के अंदर, क्या हम लोग नहीं रहेंगे? अर्थात रहेंगे। ऐसा भगवान जी यहां पर जो सत वस्तु है और असत वस्तु है, सत वस्तु अर्थात नित्य वस्तु, असत वस्तु अर्थात अनित्य वस्तु, सत वस्तु नित्य वस्तु अर्थात आत्मा, असत वस्तु अनित्य वस्तु अर्थात शरीर, ये सारे के सारे आपने ध्यान में रखना है कि सत किन किन चीजों के लिए यहां पर प्रयोग में लाया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि जो शरीरी होती है, जो आत्मा होती है, उसे सत कहा जाता है, और जो शरीर है उसे असत कहा जाता है। तो इसलिए इन दोनों तत्वों के विषय में क्या है, अशोच्यान। भगवान जी ने पीछे क्या बोला था कि शोक नहीं करना चाहिए। अब शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इसे हम थोड़ा सा समझें कि कैसे शरीर और आत्मा, आत्मा तत्व कैसा है। ये आत्मा तत्व किसी भी काल के अंदर, यहां पर कालवाचक यहां पर बताया हुआ है, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीन कालों के अतिरिक्त चौथा कोई काल नहीं होता। तो ये आत्मा तत्व किसी भी काल के अंदर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। चाहे आत्मा स्वर्ग में चला जाए, नरक में चला जाए, जो 84 लाख योनियां है, जो कर्म फल है, उन कर्म फलों में चला जाए, या परमात्मा के आनंद में चला जाए, तब भी यह जीवात्मा मरता नहीं है। दो सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं, जिन सिद्धांतों को हम कहते हैं द्वैत और अद्वैत। द्वैत अर्थात दो, अद्वैत अर्थात जो दो नहीं है। हमारे सिद्धांत परंपरा कैसी है, द्वैत को मानने वाली। जय कृष्ण संप्रदाय द्वैत मत का जो प्रचार है, प्रसार है, मान्यता है, उसके अनुसार कार्य करता है। अद्वैत मत को हम लोग नहीं मानते। तो जो द्वैत सिद्धांत को मानते हैं, उनके अनुसार क्या है कि जब जीवात्मा परमात्मा के आनंद में पहुंच जाता है, जीवात्मा का स्वरूप परमात्मा के स्वरूप के अंदर मिक्स हो चुका है, तब भी जीव अलग रहता है और परमात्मा अलग। जीवात्मा का
जीवत्व समाप्त नहीं हुआ, परमात्मा का परमत्व समाप्त नहीं हुआ। अब मान लीजिए गर्मी आ चुकी हुई है, तो गर्मी के अंदर आप आम खाते हो, तो आम का जो अस्तित्व है वो अलग रहता है, बिल्कुल एक स्वतंत्र पदार्थ। लेकिन जब आप मैंगो शेक बनाते हो, उसके अंदर क्या है, आपने आम मिक्स कर दिया, दूध उसमें डाला, चीनी उसमें डाली, तो उसके अंदर जाकर क्या हुआ, आम का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आप उस मैंगो शेक को आम नहीं बोल सकते हो। तो वैसे ही जो हमारा सिद्धांत है द्वैत, हमारे सिद्धांत के अनुसार क्या है, जीवात्मा अगर परमात्मा के स्वरूप में जाकर मिक्स हो चुका है, तब भी जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग। अब मान लीजिए उस मैंगो शेक के अंदर से आप आम को अलग कर लो, तो क्या वो मैंगो शेक रहेगा? बिल्कुल नहीं। अर्थात पदार्थ के तौर पर और जाति के तौर पर वो दोनों की दोनों चीजें अलग रहती है। और जो कहते हैं कि सब ब्रह्म है, उनके अनुसार क्या है, जीवात्मा परमात्मा के अंदर मिला और जीवात्मा का जीवत्व समाप्त हो गया। अब जीव नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं, ऐसा उनका सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंदर बहुत सारे आक्षेप हमें प्राप्त होते हैं कि जैसे अगर हम बोलें कि जीवात्मा का जीवत्व समाप्त हो गया, अर्थात मनुष्य जिस चीनी को खा रहा है वो मनुष्य खुद ही चीनी बन गया, तो चीनी का उपभोग कौन लेगा? अगर हम किसी वस्तु का उपभोग लेने के लिए वहां पर गए और हम वही वस्तु बनकर उस वस्तु के अंदर ही मिक्स हो गए, तो उस वस्तु का मिठास, उस वस्तु का आनंद कौन लेगा? ऐसे बहुत सारे खंडन जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि जीवात्मा कैसे है, सत, अर्थात किसी भी स्थिति के अंदर जीवात्मा का नाश नहीं होता, आत्मा किसी भी स्थिति के अंदर अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करता है। तो ऐसा सत वस्तु अर्थात उसका कभी नाश होता ही नहीं। उसके पश्चात असत वस्तु अर्थात शरीर, शरीर कैसा है, नष्ट होने वाला, अनित्य, लेकिन पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसलिए हे अर्जुन अशोच्यान, कि इन दोनों तत्वों के विषय के अंदर शोक जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान जी ने बोला। और इसी बात को भगवान जी समझाने के लिए कैसे हैं, पहले भगवान जी ने जो तत्व चले गए हैं, जो जाने वाले हैं, ऐसा बताकर अर्जुन को समझाया। अब भगवान जी उसकी और डिटेल देकर भगवान जी आगे समझाते हैं कि ये अर्जुन ये तत्व नित्य हैं और अनित्य हैं, इसलिए इनके विषय में जो शोक है वो शोक नहीं करना चाहिए। और भगवान जी क्या कहते हैं, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा। यहां पर भगवान जी ने क्या कहा, मैं, तू और ये राजा लोग, अर्थात हमारे संसार के अंदर हम क्या करते हैं, तीन जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को लेकर ही बात की जाती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इंग्लिश के अंदर आप इसको क्या बोल सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे मैं बात करता हूं, इंग्लिश के अंदर और संस्कृत के अंदर थोड़ा सा भेद है। इंग्लिश के अंदर जिसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है और उसी को संस्कृत में उत्तम थर्ड पर्सन कहा जाता है, इसलिए ऐसा थोड़ा सा भेद हमें प्राप्त होता है। तो हम यहां पर शुद्ध भाषा संस्कृत के अनुसार ही चलेंगे। जैसे जो सामने वाला व्यक्ति होता है, स, तौ, ते, तम, तौ, तान, अहम, अवाम, वयम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है, मैं, जो मैं बात करता हूं ये उत्तम पुरुष के स्थान पर रहता है, मैं एक, मैं दो या हम सब, अहम, आवाम, वयम। उसके पश्चात जिसके साथ बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, तू एक, तुम दोनों और तुम सब, त्वम, त्वाम, स, तौ, ते, तम, त्वाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, ऐसा। मतलब तुम, तू एक,
तू दो और तू तुम सब लो। उसके पश्चात जिस किसी व्यक्ति के विषय में बात की जाती है उसे कहा जाता है वो एक व्यक्ति, वो दो व्यक्ति, वो सब व्यक्ति, स तौ ते, ऐसा हमें यहां पर मेथड प्राप्त होता है। तो भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं, मैं तू और ये सब लोग। भगवान जी ने शब्द क्या यूज किया, अहम त्वम जनाधिपा। तो भगवान जी कहने का तात्पर्य क्या है कि लोगों की दृष्टि से मैंने जब अवतार नहीं लिया था, जब मैं श्री कृष्ण अवतार में नहीं था, तो क्या मैं उस समय नहीं था, मेरा अस्तित्व नहीं था? अर्थात नहीं, मैं अवतार लेने से पहले भी हूं। ये भगवान जी क्या समझाना चाहते हैं कि जब तक लोगों ने श्री कृष्ण अवतार को नहीं देखा उससे पहले भी मैं था, और जब तू अर्जुन नहीं था, अर्जुन के रूप में जब तू पैदा नहीं हुआ, तो क्या उससे पहले तू नहीं था? अर्थात नहीं, तू भी उससे पहले है। और ये जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुशासन इत्यादि सामने खड़े हैं, तो आज ये जन्म लेने के बाद हमें सामने दिखाई देते हैं, तो क्या ये पहले नहीं थे? अर्थात पहले भी थे। तो भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, इनके शरीर आज व्यक्त होने के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्थिति से पहले क्या है, ये अव्यक्त स्थिति के अंदर या किसी और योनि के अंदर है, और अब मर जाएंगे तो उसके पश्चात किसी और योनि में चले जाएंगे। तो इसीलिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि शोक उस वस्तु के विषय में करो जो एक बार नष्ट हो जाए और दोबारा प्राप्त नहीं होने वाली हो, ऐसी वस्तु के विषय में शोक करना चाहिए। तो भगवान जी यहां पर यही बताते हैं कि ये जो सामने शरीर हमें दिखाई देता है, न चैव वयमतः परम, कि ये जो शरीर हमें दिखाई देता है ये शरीर कैसा है, ये भी शरीर अनित्यता के रूप में हम इसे देख सकते हैं। कैसे कि ये शरीर, इसके अंदर भी हमें बहुत सारी अनित्यता प्राप्त होती है। तो भगवान जी यहां पर यही अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये अर्जुन, ये जो शरीर है ये भी एक अवस्था के अंदर नहीं रहता है, इसमें भी अनित्यता दिखाई देती है, लेकिन वो अनित्यता कैसी है, कुछ समय के लिए। वो अनित्यता जब समाप्त हो जाती है तो वो शरीर को समाप्त करके आत्मा के अंदर तब्दील होकर नित्य हो जाता है। तो इसीलिए इस विषय के अंदर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी थे जब दिखाई नहीं देते थे, आज हम सब हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और कल जब हम सब मर जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को नहीं देखेंगे, तब भी हमारी सत्ता जो है वो रहेगी ही रहेगी। अर्थात सत जो वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी समझाना चाहते हैं। और दूसरा इसे समझने के लिए हम क्या विचार करें कि जैसे मान लीजिए हम सोए, गहरी नींद के अंदर हम सोने के लिए चले गए, तो हमें नींद आई, बहुत गहरी नींद के अंदर हम सो गए, तो सोने के पश्चात क्या हुआ, हम सब कुछ भूल चुके हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मैं कौन हूं। आप लोगों को भी कभी आभास होता होगा कि जब गहरी नींद होती है, जिसे सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है, अवस्थाएं भेद आपको बताएंगे, तो सुषुप्ति अवस्था के अंदर क्या होता है कि जीवात्मा अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कितने बजे सोया था, मैंने कितने बजे उठना है, सब कुछ वॉश हो जाता है। आप लोगों के भी इसका अनुभव होगा, कभी ऐसा जो समय है हमारे पास आता है, लेकिन जब वो तंद्रा टूटती है, वो निद्रा टूटती है, उसके पश्चात क्या है, हम एकदम जागृत हो जाते हैं, कि अरे कितना टाइम हो गया मैं उठा नहीं, ये कैसी नींद थी, मैं उस समय सोया था, मैं था, ये आभास पैदा होना शुरू हो जाता है। अर्थात कि जब हम सोए तो क्या हम उस समय मर गए, नहीं, लेकिन उस चेतना का, उस ज्ञान का अभाव होने के कारण क्या था कि हमें लगता है कि हम उस समय नहीं थे लेकिन हम थे। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं कि जो सोने से पहले क्या था, हम थे, और उठने के बाद भी हम हैं,
और जब हम सोए थे तब भी हम थे, पहले भी थे, अब भी हैं और कल भी रहेंगे। सोने से पहले भी थे और जब सोए थे तब भी थे और जब उठे हैं तब भी हैं। अर्थात हमारा किसी भी स्थिति के अंदर अभाव नहीं हुआ है। तो ऐसे ही सिद्धांत को हमने यहां पर जानना है कि जो आत्मा है उस आत्मा का कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर अभाव नहीं होता, नाश नहीं होता। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, जो सत वस्तु है आत्मा है उसके विषय में शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। और जो असत वस्तु है, जो शरीर है, वो अनित्य है, उसके विषय में भी शोक नहीं करना। क्योंकि क्या है, आज हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, मुझे श्री कृष्ण रूपी तत्व प्राप्त हुआ, तुझे अर्जुन रूपी तत्व प्राप्त हुआ, इन्हें राजा लोग रूपी तत्व प्राप्त हुआ, तो ये आज हैं, मरने के बाद किसी दूसरे शरीर में चले जाएंगे, तो उस शरीर के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। अब देखिए ज्ञान कैसा है और भगवान जी का तत्व कैसा है। पहले भगवान जी कहते नित्य वस्तु है, उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, भगवान जी ने उसे भी समझा दिया। अब भगवान जी कहते हैं शरीर अनित्य है, उसके विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात विरुद्ध बातें, सिद्धांत एक जैसा, बातें कैसी हैं, विरुद्ध बातें हैं, लेकिन भगवान जी ने एक ही सिद्धांत को यहां पर समझाने का प्रयास किया हुआ है कि जो शोक है वो शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात कैसे कि आग जलाओ, पर उस आग को कैसे है, यूज कैसे करना है। आग को अगर गलत तरीके से यूज करोगे वो जलाएगी, अगर अच्छे तरीके से यूज करोगे वो आपके काम में आएगी। ऐसा भगवान जी यहां पर हमें बताते हैं कि जो काल है उस काल का भी नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे ये जो शोक करता है कि ये मर जाएंगे, ऐसा शोक व्यर्थ है, किसी अर्थ के अंदर भी शोक नहीं करना चाहिए। तो एक श्री रामचंद्र जी ने भी एक ऐसा ही सिद्धांत हमें बताया था कि जब बाली और जो सुग्रीव है, दोनों भाई हैं, इनका युद्ध हुआ, तो जो बाली है उसे वरदान प्राप्त हुआ है कि जिस किसी के साथ भी बाली युद्ध करेगा उस व्यक्ति का आधा बल, आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी और बाली जीत जाया करेगा। तो बाली ने क्या करा, अपने भाई का राज्य लेकर उसे निकाल दिया। तो श्री रामचंद्र जी के पास जब सुग्रीव आते हैं, मित्रता होती है, तो सुग्रीव श्री रामचंद्र जी से ऐसा ऐसा निवेदन करते हैं कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो श्री रामचंद्र जी कहते कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो धोखे के साथ श्री रामचंद्र जी ने बाली को मार दिया। अर्थात सुग्रीव और बाली का युद्ध चल रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने छुप कर जो बाली है उसके ऊपर बाण मारा हुआ है। मर्यादा का पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मर्यादा कैसी है आप हम सब जान सकते हैं, आक्षेप नहीं यथार्थ, जो सत्य है उस सत्य को यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब छुपकर बाण मारा गया तो बाली को बाण लगा और बाली मर जाता है। बाली की पत्नी बाहर आई और उसने रोना शुरू कर दिया, जिसका नाम था तारा। तो तारा रोती है, रो रही है, तो श्री रामचंद्र जी इसी तत्व को, इसी बात को वहां पर बताते हैं कि हे तारा, तू मुझे ये बता, तू किसके लिए रुदन करती है, क्या आत्मा के लिए। तारा कहती नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि क्या शरीर के लिए, वो कहती शरीर के लिए भी नहीं, क्योंकि शरीर दोबारा मिलने वाला है। तो ऐसा जो हमारा परम सिद्धांत है, जो सतयुग से चलता आ रहा है, उसी सिद्धांत को देवताएं भी श्री रामचंद्र जी जैसे विग्रह भी बताते हैं। क्योंकि क्या है, हमारा ये श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान कैसा है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु रीक्ष्वा कवे ब्रवीत, कि ये जो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन ये ज्ञान कैसा है, इमं विवस्वते योगम,
ये ज्ञान मैंने राजा विवस्वान सूर्य को बताया हुआ है। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, ऐसे ही ज्ञान आगे आगे बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी ने भी ब्रह्म विद्या शास्त्र को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि ऐसी बातें वो वहां पर रामायण के अंदर बताते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़ो। ऐसा प्रश्न बहुत सारे भक्तों का रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि रामायण पढ़ने से क्या है, सात्विकता आएगी, और महाभारत पढ़ने से क्या होगा, घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। ऐसी बुद्धि, बालक बुद्धि जिसे मैं कहूं। अब देखिए रामायण के अंदर क्या हुआ, युद्ध। महाभारत के अंदर क्या हुआ, युद्ध। तो क्यों रामायण पढ़ो भाई और क्यों महाभारत ना पढ़ो, विचार करो कि क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसी एक मिथ्या बुद्धि रहती है कि घर के अंदर महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़िए। क्योंकि जितना ज्ञान महाभारत के अंदर आया हुआ है, अब महाभारत की विशेषता मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि महाभारत के अंदर ही ये श्रीमद् भगवद गीता बताई गई है। श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत का एक अंग है, महाभारत के युद्ध के अंदर बताई गई है। तो ऐसा पवित्र ग्रंथ जिस ग्रंथ के अंदर बताया हुआ हो, उस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ त्रेता युग के अंदर, और ये ज्ञान सतयुग के अंदर भगवान के जो अवतार हैं, हंस अवतार हुए परमात्मा के अवतार, वो ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। हे गुण चित्ता जी वेणी उकड़े कवनी परी, हे सांगावे निवेदावे। ब्रह्मदेव के पुत्र सनक सनकादिक जो श्री रामचंद्र जी से भी बड़े हैं और ब्रह्म वेता हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आज अपने पिता के पास आए और आकर पिता से निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे तात, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि हम पूछिए, कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा कि हे तात, हे गुण चित्ताची वेणी उकले कवनिये परी, हे सांगावे। गुण चित्ताची वेणी अर्थात वेणी किसे कहा जाता है, गुत को। यहां पर वेणी शब्द आया कि जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, क्योंकि माताएं जब अपनी बेटी की गुत करती हैं तो क्या है, एक ऐसे चोटी पकड़ती है, एक ऐसे चोटी पकड़ती है, एक ऐसे चोटी पकड़ती है, फिर उनको एक दूसरे के अंदर गूंदने का प्रयास किया जाता है। तो सनकादिक यही कहते हैं कि ये रजोगुण रूपी बेणी, सतोगुण रूपी बेणी, तमोगुण रूपी बेणी एक दूसरे के अंदर मिली हुई है, गुत बनी हुई है, उसमें से जीवात्मा कैसे मुक्त हो। ऐसा प्रश्न सनकादिकों ने ब्रह्मदेव से करा, और ब्रह्मदेव जो अपने आप को सृष्टि का निर्माता मानते हैं, वो समय कंफ्यूज हो चुके हैं। ऐसी दुविधा पड़ी, ऐसे कंफ्यूज हुए कि ब्रह्मदेव तो कहते कि अब तो मेरी लाज चली जाएगी, मेरे पुत्र, मैं सृष्टि का निर्माता करने वाला, ऐसी विख्याति हो चुकी है और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तब जाकर ब्रह्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से, परम पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म जो परमेश्वर है, उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु मेरी लाज बचाओ, क्योंकि मेरे पुत्र मेरे से प्रश्न करते हैं और मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो उस समय भगवान जी ने क्या करा कि जो ब्रह्मदेव का वाहन हंस है, उस हंस के अंदर प्रवेश किया और वो जो हंस है परावर शास्त्र को बोलना शुरू करता है। तब जाकर जो हंस है, उस हंस ने उत्तर दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से मुक्त हो सकते हो। ये तत्व हमें श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी आगे जाकर प्राप्त होंगे। तो कहने का तात्पर्य, ये ज्ञान द्वापर युग में आया या कलयुग के अंदर आया, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान कैसा है, सतयुग के अंदर पुराना ज्ञान है, और देवताएं भी इसी ज्ञान को आधार बनाकर अपने ग्रंथों का निर्माण करती हैं। आपको एक बात बोलूंगा, आप बाइबल खोल के देखिए, कुरान शरीफ खोल के देखिए, रामायण खोल के देखिए,
या उपनिषद आप खोल के देखिए, आपको क्या लगेगा कि ये श्रीमद् भगवत गीता के ही ट्रांसलेट किए हुए ग्रंथ हैं। आप कभी खोलकर पढ़िए, लेकिन आप मत पढ़िए क्योंकि आप पढ़कर उलझ जाओगे। पहले गीता ही पढ़ो, इसको अच्छी तरह से समझो, फिर ही उनके अंदर अपना दिमाग लगाना। लेकिन आपको एक यथार्थ बात यह भी बताऊं कि जो संशोधनात्मक दृष्टि से ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो जब उन संशोधनकारों ने, जो डॉक्टरेट होते हैं, उन्होंने जब श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा, उसके पश्चात कुरान शरीफ को उन्होंने पढ़ा, रामचरितमानस को उन्होंने पढ़ा, वाल्मीकि रामायण को उन्होंने पढ़ा, उपनिषदों को उन्होंने पढ़ा, और भी जो दार्शनिक फिलोसफर हैं उनके ग्रंथों को पढ़ा, तो उन्होंने रिसर्च करके क्या परिणाम पाया कि ये सारे के सारे ग्रंथ हमें ऐसा प्रतीत होते हैं मानो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का ट्रांसलेशन इन ग्रंथों ने की हुई है। इसीलिए गीता को आज जो वर्ल्ड लेवल के अंदर एक नंबर पे माना जाता है, ये भी कारण है क्योंकि सारे के सारे ग्रंथ इसका एक अनुवादात्मक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो श्री रामचंद्र जी उस तत्व को बोलते हैं, वो तत्व कैसा है? परमपिता परमेश्वर का बताया हुआ तत्व। तो इसलिए उस तत्व को जानो, समझने का प्रयास करो, जिस तत्व को देवताएं और विग्रह इत्यादि आगे जाकर बोलते हैं। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, जो सत वस्तु है और जो असत वस्तु है, इन दोनों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। और इसी बात को श्री रामचंद्र जी उस तारा को वहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ, ये जो ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान है, ये जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, कैसा है, इसे आराम से समझिए, आपको दूसरा ग्रंथ पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा विषय चल रहा है सत और असत, शरीर और शरीरी, आत्मा और अनात्मा के विषय के अंदर। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इसी बात को और अधिक डिटेल के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। आप लोगों ने बोला होगा कि आधे घंटे से सत असत चलता जा रहा है, लेकिन अभी बहुत डिटेल बाकी है। अगर हम विस्तार के अंदर और विस्तार के अंदर चलते जाएंगे, लेकिन क्या है, उतना ही विस्तार ग्रहण करते हैं जितना आप लोग अच्छी तरह से समझ सको, आपके दिमाग में वो बात जा सके। तो आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इन्हीं तत्वों को आगे अच्छी तरह से समझाने के लिए और अधिक क्या कहते हैं, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहां पर यदि आपने संधि विच्छेद कुछ करना हो, आपको शब्द कठिन प्रतीत होते हो, तो आप क्या कर सकते हो, देहिनो अस्मिन्यथा, यदि आप तोड़ोगे तो अ का उच्चारण आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं तोड़ते हो तो अ का आधा उच्चारण देहिनो स्मिन्यथा देहे, ऐसा आप बोल सकते हो। उसके पश्चात देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र, ये शब्द पूरा हमें प्राप्त होता है। यदि शब्द बोलने में कठिनाई आपको प्रतीत होती हो तो आप क्या कर सकते हो, देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र, प्राप्ति के पश्चात आपने विसर्ग लगानी है, क्योंकि जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो प्राप्ति के पश्चात क्या है, विसर्ग आती है। जब हम संधि को जोड़ देते हैं तो वही विसर्गे ऊपर वाला रपार बन जाता है। आपने देखा, अपने गीता में देखिए, धी के ऊपर छोटा सा एक उल्टा चंद्रमा है, उस चंद्रमा को क्या कहा जाता है, रपार। इनके भी नाम होते हैं, तो उरण रपरह इति सूत्रेन रपारह जायते इति रपारह।
उरण रपर नामक सूत्र लगता है व्याकरण शास्त्र के अंदर, और ये सूत्र लगने के पश्चात विसर्जनीयस्य स, विसर्ग का पहले स बनता है। ये जो विसर्ग आपने देखी है, कहीं कहीं पर आप देखते हो कि कहीं कहीं पर आधा स आता है, वो आधा स बन के रुक जाता है। विसर्जनीयस्य स, विसर्ग का स बनता है। सजशो रू, स का रू बन जाता है। उरण रपार, उस रू का आगे जाकर रपार बनता है। ऐसी प्रक्रिया हमें व्याकरण शास्त्र के अंदर प्राप्त होती है। तो जब आपने तोड़ना है तो आप क्या बोलोगे, देहांतर प्राप्ति धीर, उसके पश्चात ऊपर का र नहीं बोलना है। इन शुद्धिकरणों को याद रखते हुए आप दो प्रकार से बोल सकते हो। पहला प्रकार देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र, दूसरा प्रकार देहांतर प्राप्तिर धी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहां पर भगवान जी क्या कहते हैं कि देहिनः, देहधारियों के, अस्मिन् देहे, इस मनुष्य देह के अंदर, यथा जैसे कौमारम, अर्थात जो कौमार्य अवस्था होती है, बालपन की अवस्था होती है, वो प्राप्त होती है। यौवनम, उसके पश्चात जवानी, जरा अर्थात वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी के जैसी दूसरे शरीर को प्राप्त करने की अवस्था भी होती है। तत्र धीरः न मुह्यति, इस विषय को जानकर जो धीर होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, जो बुद्धिवान होते हैं, वो क्या है, न मुह्यति अर्थात मोहित नहीं होते, मोह को प्राप्त नहीं होते। भगवान जी क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, देहधारियों के अंदर जैसे उन्हें कुमार की अवस्था प्राप्त होती है, फिर जो यौवन अवस्था प्राप्त होती है, फिर वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी तरह दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। तो इस विषय के अंदर जो विवेकवान पुरुष होते हैं, जो धीर होते हैं, वो कभी भी मोहित नहीं होते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। देहिनो स्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो हमारा ये जो शरीर है, सत और असत, इसे हमने कैसा विभाग किया हुआ है, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो अच्छी तरह से समझने के लिए। पहले ऊपर लिखिए सत और असत, उसके नीचे दो तीर बनाइए, उसके नीचे लिखिए नित्य और अनित्य, फिर उसके नीचे तीर बनाइए, उसके नीचे लिखिए शरीर और आत्मा, फिर उसके नीचे तीर बनाइए, उसके नीचे लिखिए सूक्ष्म और स्थूल। अब यहां पर क्या है, भगवान जी ने दो भेद और करे हुए हैं कि दो भेद कैसे, हमारा ये जो शरीर है वो शरीर कैसा है, स्थूल, इसे हम स्थूल तत्व बोल सकते हैं, और जो आत्मा होती है उसे हम सूक्ष्म तत्व बोल सकते हैं, ऐसा यहां पर भगवान जी भेद करते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, जैसे शरीर के अंदर बचपन की अवस्था पैदा हुई, अब बचपन की अवस्था ढलते ढलते क्या हुआ, यौवन अवस्था प्राप्त हुई, तो क्या जीवात्मा दुखी होता है कि मैं यार पहले बच्चा था, मैं अब जवान क्यों हो गया? क्या आप लोगों ने कभी दुख किया? बिल्कुल भी नहीं। दुख करने की बात तो अलग, हमें पता ही नहीं लगा कि हम बचपन छोटे से बड़े कैसे हो गए, कुमारी अवस्था से यौवन अवस्था कैसे प्राप्त हुई, हमें पता ही नहीं चला। उसके पश्चात जो वृद्ध अवस्था के अंदर पहुंच चुके हैं, उन्हें भी क्या उन्होंने कभी दुख किया कि हम यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था के अंदर कैसे पहुंच गए? क्योंकि जो बड़े हो जाते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब उन्हें मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, लोग उन्हें पापा जी बोलते हैं, दादा जी बोलते हैं, ताया जी बोलते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है कि हमें सम्मान मिलता है। तो क्या जीवात्मा जब यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था की तरफ पहुंचा तो क्या उसने शोक करा? अर्थात नहीं। तो फिर जब ये शरीर छूटकर नया शरीर प्राप्त होता है तो उसमें शोक क्यों किया जाता है? भगवान जी अर्जुन को क्या समझाते हैं कि इस शरीर की चार अवस्थाएं हैं,
कौमार्य अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था और दूसरा शरीर प्राप्त करना देहांतर प्राप्ति, ये चार अवस्थाएं हैं। यदि जीवात्मा पहली तीन अवस्थाओं के अंदर शोक नहीं करता है तो चौथी अवस्था के अंदर शोक क्यों करता है? समझने वाली बात है कि भगवान जी ने कहा कि अवस्थाएं ही बदल रही हैं। शरीर मरेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर बच्चा बन जाओगे, फिर जवान हो जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर मर जाओगे, फिर बच्चा बन जाओगे, फिर जवान बन जाओगे, फिर जाकर बूढ़े बन जाओगे, फिर मर जाओगे। शोक क्यों करना? सरल मेथड भगवान जी क्या बताते हैं कि ये चार अवस्थाएं हैं तो इन अवस्थाओं के अंदर शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। अब इन अवस्थाओं के अंदर अगर हम थोड़ा सा भेद करें, पहली जो तीन अवस्थाएं हैं ये कैसी हैं? ये शरीर की अवस्थाएं हैं, अर्थात स्थूल जो शरीर है उसकी अवस्थाएं हम बोल सकते हैं। और चौथी अवस्था क्या है? सूक्ष्म अवस्था है आत्मा की, क्योंकि क्या है, आत्मा शरीर से उस समय निकल जाती है। तो भगवान जी यहां पर यही समझाते हैं कि स्थूल दृष्टि से विचार करो और सूक्ष्म दृष्टि से भी विचार करो कि हुआ कुछ भी नहीं, एक परिवर्तन हुआ पड़ा हुआ है। इस स्थिति के अंदर क्या है, एक परिवर्तनात्मक बात चलती है। अब मैं आपको ये भी बात बताता हूं कि जैसे ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन कैसे है? नित्य वस्तु आत्मा, नित्य शरीर अनित्य, तो शरीर के अंदर भी क्या है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण हमारा जो परिवर्तन है वो चलता जा रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को हम समझ नहीं पाते। कैसे? जैसे हम पिक्चर देखने के लिए बाहर गए, पिक्चर देखने के लिए बाहर गए, वहां पर जाकर क्या हुआ कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है, जिसने थिएटर देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, और कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने थिएटर कभी देखा ही नहीं, ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन समझने के लिए हमारे ग्रंथों में अच्छी तरह से समझाया गया हुआ है। तो उसके अंदर क्या है कि एक पर्दा लगा हुआ है, उसके अंदर एक पिक्चर चल रही है, 3 घंटे की वो पिक्चर चलती है और आप उसको देख रहे हो, और हर एक क्षण के बाद क्या है, वो जो सीन है, वो जो चलचित्र का एक आप सामने देखते हो, वो बदल रहा है। 3 घंटे के अंदर बहुत सारे सीन बदले हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला। क्या पता चलता है? हमें क्या लगता है, एक के साथ जुड़कर दूसरी चीज चलती जा रही है। अभी अमृतसर दिखाया था, अभी बॉम्बे दिखा दिया, अभी पेरिस दिखा रहे हैं, चीज बदलती है, लेकिन हमें आभास बिल्कुल नहीं होता कि बदलाव क्या हुआ। वैसे ही इस शरीर के अंदर और इस सृष्टि के अंदर प्रत्येक वस्तु क्षण प्रतिक्षण बदलती है, अनित्य है, असत है, वो प्रत्येक क्षण के अंदर बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, लेकिन हम उस चीज के अंदर इतना मशरूफ हो चुके हैं कि हमें आभास होता ही नहीं कि बदलाव क्या हुआ। यहां तक हमारे शरीर के अंदर क्या बदलाव हुआ हमें यह भी आभास नहीं रहता। देखते हैं, सुनते हैं, अपनी पुरानी फोटोएं भी देखते हैं कि हम बचपन में ऐसे थे, लेकिन आभास बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हम छोटे से बड़े से बुजुर्ग कैसे हो गए। तो भगवान जी यहां पर यही बताते हैं कि ये शरीर की अवस्थाएं हैं, इनके अंदर इतना सूक्ष्म दृष्टि से परिवर्तन होता है कि आपको पता नहीं चलता। अब देखिए, आपके बाल काले से सफेद होने शुरू हो जाते हैं, क्या आपको पता चलता है? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ, कब पता चलेगा? जब आप ध्यान से कभी उस बाल को देखोगे, शीशे के अंदर ध्यान से देखोगे कि यार ये तो बाल इतना बड़ा हो गया। लेकिन वो प्रारंभ कब हुआ, कहां से शुरुआत हुई, हमें बिल्कुल भी उसका आभास नहीं रहता। अगर हमारे शरीर, जिस शरीर को कहते कि मेरा शरीर है, इस शरीर में रहते हुए हमें इस सूक्ष्म परिवर्तन का, इस अनित्य वस्तु के परिवर्तन का पता नहीं चलता, फिर संसार रूपी जो अनित्य वस्तु है उसके अंदर जो परिवर्तन है उसका तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तू बोलता है कि ये मर जाएंगे,
मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो पहले समझ ना तो किसी को मार सकता है और ना ही तेरे द्वारा कोई मर सकता है, क्योंकि क्या है, तू नहीं मारेगा तब भी ये लोग मरने ही वाले हैं, क्योंकि देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह की प्राप्ति होनी सुनिश्चित है, तू नहीं मारेगा तब भी ये मरने ही वाले हैं, इसलिए ना तो सत वस्तु को मारा जा सकता है ना ही असत वस्तु को मारा जा सकता है, और यदि हम कहें कि असत वस्तु को मारा जा सकता है तो असत वस्तु दोबारा पैदा हो जाती है, आत्मा ना उत्पन्न हुई है ना मरती है, शरीर उत्पन्न होता है मर भी जाता है, क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है, उसी वस्तु का नाश होगा जो वस्तु बनाई जाती है, पैदा होती है, और शरीर कैसा है, शरीर उत्पन्न होता है तो शरीर का नाश नाश भी है, और जिस वस्तु को कभी पैदा नहीं किया गया, जो वस्तु कभी बनी नहीं है, उसका नाश भी कभी नहीं हो सकता, वो क्या है, आत्मा, क्योंकि आत्मा का सृष्टा कौन है, आत्मा तत्व बनाया किसने है, ये कहां से पैदा हुई, इसका कोई भी उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता, ये कैसी है, अनादि सिद्ध अपने आप उत्पन्न हुए तत्व है, ऐसा हम यहां पर मान सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी स्थूल शरीर की अवस्थाओं को क्या कहते हैं कि जागृत, सूक्ष्म शरीर की अवस्थाओं को स्वप्न, और जो कारण शरीर है उसे सुषुप्ति कहकर भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं कि जैसे व्यक्ति जागा हुआ है, उस जागृत अवस्था के अंदर क्या है, हम देखते हैं क्या है कि मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये जागृत अवस्था के अंदर क्या है, ये हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, उसके अंदर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। अब व्यक्ति स्वप्न के अंदर गया, स्वप्न किसे कहते हैं, और स्वप्न आता कब है, जब हमारी नींद कच्ची होती है तब हमें स्वप्न आते हैं, स्वप्न की जन्मभूमि क्या है, नींद का पूरा न आना तब स्वप्न आते हैं, तो स्वप्न के अंदर हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो स्वप्न में भी हम क्या देखते हैं कि मैं बालक हूं, जो बालक होगा वो बालक का स्वप्न देखेगा, जो बड़ा होगा वो बड़े का स्वप्न देखेगा, जो बूढ़ा है वो बूढ़े का स्वप्न देखेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप युवा अवस्था के अंदर हो और आप अपने बुढ़ापे का स्वप्न देख रहे हो, ऐसा सपना आपको कभी नहीं आएगा, याद रखना, और आप अपने बचपन का सपना देखते हो ऐसा भी सपना भी नहीं आएगा, अगर सपना आएगा आपको अपना वेशभूषा दिखाई नहीं देगी, वो यथार्थ नहीं होगा। तो ऐसा जो सपना हमें स्वप्न में दिखाई देती है वो अवस्था कैसी है, अपना स्वप्न अवस्था, तो भगवान जी कहते हैं वो भी कैसी है, मिथ्या, जागृत अवस्था भी मिथ्या, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या, उसके पश्चात आती है सुषुप्ति, सुषुप्ति अर्थात कारण अवस्था, कारण अवस्था अर्थात जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और किसी भी कर्म फल में नहीं रहती तो उसे हम कारण बोल सकते हैं, जो असत वस्तु के अंदर इसे हम बोल सकते हैं, तो उसके अंदर क्या है, सुषुप्ति अवस्था किसे कहा जाता है, जब आपको बिल्कुल बहुत गाढ़ी नींद आई हुई है उसे सुषुप्ति कहा जाता है, उसके अंदर आप ये भी भूल चुके हो मैं कौन हूं, ऐसी नींद भी कभी कभी आती है, और ये नींद किसे आती है, जो बिल्कुल सात्विक अवस्था के अंदर होगा, शांत अवस्था के अंदर होगा, तो इस अवस्था के अंदर क्या है, आप सब कुछ भूल जाते हो, ना आपको ये याद रहता है कि मैं बालक हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ऐसा कुछ याद नहीं रहता, और जब आप उठते हो, उठकर आप देखते हो कि मैं हूं, मैं भी हूं, ये संसार भी है, तुम भी हो, ऐसे भाव कुछ समय के लिए हमारे मन में आते रहते हैं कि देवताएं हैं, पशु हैं, मनुष्य है, मैं भी हूं, संसार भी है, मेरा घर भी है, मेरा कमरा भी है, ऐसे जब भाव आते हैं वो क्या अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था। तो ऐसे भगवान जी यहां पर इन अवस्थाओं को बताते हैं कि सुषुप्ति अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और हमारे ब्रह्मविद्या शास्त्र के अंदर एक चौथी अवस्था और वर्णित की गई है जिसे कहा जाता है तूर्य अवस्था। तो तूर्य अवस्था के अंदर क्या है कि जीवात्मा
शरीर के अंदर ही रहते हुए शरीर के भावों से अलग हो जाता है। जैसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी दाढ़ी बड़ी भिक्षा मांगते हैं, झोली उनकी फटी हुई है, गंदी हो चुकी है, अन्न नीचे गिरा उसी अन्न को उठाकर खा रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी भी अवस्था के अंदर भगवान जी नहीं है, सभी अवस्थाओं से अलग हो चुके हैं, देहिक भावों से अलग हो चुके हैं कि शेव करनी चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी अवस्था के अंदर पहुंच चुके हैं। वो अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था ही क्या है? ब्रह्म अवस्था। तो भगवान जी अर्जुन को क्या कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन स्थूल अवस्थाओं से बाहर आकर तुरीय रूपी सूक्ष्म अवस्था को धारण कर, और जब तू इस अवस्था को धारण कर लेगा तो परिणाम क्या निकलेगा? धीरस तत्रणा मुह्यति। क्या होगा? तू धीर बन जाएगा, और धीर बनने के पश्चात क्या होगा? तू कभी भी मोह नहीं करेगा, मोहित नहीं होगा। तो इसीलिए हे अर्जुन, ये जो शरीर की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को यथार्थ रूप में जान, और जब इन शरीर की अवस्थाओं को जानेगा अशोच्यान, तो कैसा होगा? शोक से रहित हो जाएगा, धीर बन जाएगा, न मुह्यति, और शोक से रहित होकर, मोह से रहित होकर तू मुक्त हो जाएगा, और तब तुझे तेरे कर्तव्य का स्मरण हो जाएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे कर्तव्य क्या करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं। और भी स्वप्न के विषय में बहुत सारी बातें हमें प्राप्त होती हैं कि जब जीवात्मा का नया जन्म होता है, जिसे हम स्मृति कहते हैं, स्मृति, तो जब जब जीवात्मा का नया जन्म होता है तो कभी कभी क्या होता है, उसे पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, लेकिन 99% क्या है, हम लोग उस बातों को भूल कर आते हैं। उसका कारण क्या रहता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी मृत्यु सहज स्वभाव के अंदर नहीं होती, जैसी एक समाधान कारक मृत्यु होनी चाहिए वैसी मृत्यु नहीं होती। जिनकी समाधान कारक मृत्यु होती है, जो सेटिस्फेक्ट होकर अपने शरीर को त्यागते हैं, उन्हें अगले जन्म के अंदर जाकर अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद रहती हैं, और जो सांसारिक व्यक्ति कैसे होते हैं, क्लेशों के अंदर रहकर, दुविधाओं के अंदर रहकर, राग क्लेश इत्यादि के अंदर रहकर, तमस के अंदर रहकर अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो अगले जन्म में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर उल्लेख प्राप्त होता है कि जैसे मान लीजिए अंतिम समय के अंदर किसी की मृत्यु आन पड़ी है, और वो व्यक्ति उस मृत्यु के अंदर क्या देखता है कि मैंने अपने घर का बंटवारा नहीं करा, अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं करा, या मेरी इतनी धन संपत्ति है मैं उसे कैसे छोड़ूं, ऐसे भावों से कष्टित होकर, दुखी होकर जब वो शरीर का त्याग करता है, वो क्या है, बहुत गलत तरीके से शरीर का त्याग करना हम मानते हैं, और अगले जन्म के अंदर उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। और जो संत होते हैं, साधु होते हैं, अंतिम समय के अंदर यदि समाधान पूर्वक अपने देह का परित्याग करते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार के धन से कुछ लेना देना नहीं है, ये धन मैंने यहां से प्राप्त किया और यहीं पर मैं इसको विसर्जन करके जा रहा हूं, मुझे किसी तत्व की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा समय समाप्त हुआ और मैंने परमात्मा का बहुत अच्छी तरह से आतिथ्य किया, सत्कार किया, पुण्य कर्म किए, जितना कर सकता था मैंने किया, ऐसे समाधान कारक जब मृत्यु होती है तो अगले जन्म के अंदर वो स्मृतियां याद भी रहती हैं। ऐसे हमें श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर ऐसे हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान जी भी बार बार कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्तित्र न संशय,
कि हे अर्जुन, अंत समय के अंदर मेरा स्मरण कर। वो स्मरण कब किया जा सकता है? जब सत और असत वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, शरीर और शरीरी का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान हो जाएगा, यथार्थ और अयथार्थ का ज्ञान हो जाएगा, सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, तब जाकर हम परमात्मा के अंदर अपने उस मन को लगा सकते हैं। और जब अगला जन्म प्राप्त होगा तो हमें स्मृति भी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे हम बहुत जगह पर देख सकते हैं। तो अब श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करते करते श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर प्रवेश को प्राप्त करते हैं, अर्थात लीला चरित्र के अंदर। देखिए, ब्रह्म विद्या शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के सिद्धांत और दोनों के प्रवक्ता एक ही हैं। अवतार रूपी भिन्नता हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन परम तत्व जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के अंदर है, वही परम तत्व भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के अंतर्गत है, तो उनके सिद्धांत भी एक ही होने चाहिए। तो वहां पर भी क्या है, एक चरित्र हम देखते हैं, उसकी थोड़ा सा हमें सामंजस्य प्राप्त होता है। तो पुंटांबा के अंदर एक स्थान हमें प्राप्त होता है, जिस स्थान का नाम है साल तीर्थ। जिन्होंने पुंटांबा का स्थान किया होगा उन्हें पता होगा। तो वहां पर क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने भक्तों को साल तीर्थ की कथा सुनाते हैं। भगवान जी ने कहा कि ये साल तीर्थ नामक स्थान है। भक्तों ने पूछा कि हे प्रभु, ये साल तीर्थ क्या है? तो भगवान जी कहते कि किसी एक समय के अंदर एक सालुंकी नामक पक्षी हुआ करता था। तो यहां पर पेड़ था, उस पेड़ के अंदर कांटे थे, तो उस पक्षी का जो एक पंख है उस कांटे के साथ अटक जाता है, उस कांटों में फंसा। उसने बहुत उड़ने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, एक पंख कटकर नीचे गिर गया, दूसरा पंख वहीं पर अटका हुआ है और वो पक्षी सालुंकी नामक वहीं पर मर जाता है, मर गया। अब अगले जन्म के अंदर क्या हुआ, उसे अच्छे परिवार के अंदर जन्म प्राप्त होता है, स्त्री के वेश के अंदर। और वो सभी को क्या कहती है कि आओ, तुम्हें मैं अपने पूर्व जन्म का जो देह है, पूर्व जन्म का जो स्थान है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उसी पेड़ के नीचे आकर कहती है कि देखो, मेरा पुराना शरीर यहाँ पर लटका हुआ है, मैं पुराने जन्म के अंदर ये सालुंकी नामक पक्षी थी, तो यहाँ पर एक महादेव का तीर्थ था, उसके पुण्य प्रताप से मुझे ऐसा ऐसा जन्म प्राप्त हुआ। तो ऐसी कथा भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। अब आप सिद्धांतों को पूरा यहाँ पर मत मिलाइए कि उसने कौन सा पुण्य कर्म किया था या उसकी मृत्यु तो अभाव के अंदर हुई, अच्छे भाव के अंदर हुई, ऐसा ऐसा। इन सब तथ्यों को छोड़कर पूर्व जन्म की स्मृति रहती है और उसका संबंध अंतिम समय के साथ कहीं ना कहीं रहता है, इस बात को आप याद कर सकते हो। तो इसलिए भगवान जी बार बार हम सबको यही बात बोलते हैं कि संसार से मन को हटाकर परमात्मा से, परमात्मा में मन को लगाओ। कारण कि जब तक संसार से मन नहीं हटाओगे, तब तक परमात्मा में मन लगेगा नहीं। और संसार में मन हटाने के लिए क्या है, आपको इन तत्वों को याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं अर्जुन को और हमें भी। आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इसी तत्वों को और समझाने के लिए आगे भगवान जी क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थास्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थास्तितिक्षस्व भारत। यहां पर भी अगर आपने संधि करनी हो तो कैसे बोलना है, संधि नहीं करनी हो तो कैसे बोलना है, ये देख सकते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु
ये शब्द ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा, दुख के अंदर आपने देखा कि दो विसर्गे पड़ी हुई हैं, तो जब भी दुख शब्द को लिखा जाता है तो दुख शब्द के अंदर दो आगे विसर्गे और ख लिखा जाता है, ऐसा दुख लिखने का प्रचलन है। क्योंकि दुख शब्द कैसे है, दुर नामक धातु से बनती है जिसके अंदर रपार का विसर्ग तो बन जाता है, लेकिन रपार आधा होने के कारण उस विसर्ग का लोप नहीं होता है। ऐसे हमारे व्याकरण शास्त्र के अंदर सूत्र होते हैं लोप शाकल्यस्य, और कहीं कहीं पर बाधक सूत्र भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लोप नहीं करना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर क्या है, र का विसर्ग तो बना लेकिन उसका लोप नहीं होता है, इसलिए दुख लिखा जाता है। उसके पश्चात आगमा पाइनो नित्या, ऐसा बोल सकते हो, या दूसरा आगमा पाइनो अनित्या, ऐसा भी आप बोल सकते हो। उसके पश्चात जब नित्या बोलना है आप या तो पीछे विसर्ग लगाइए, अगर विसर्ग नहीं लगानी फिर क्या बोलना है, स्थान स्थिति क्षस्व भारत। यदि आपने अनित्या के पीछे विसर्ग लगा दिया तो क्या बोलना है, तान तिथि क्षस्व भारत, क्योंकि ये अनित्या के पीछे विसर्ग लगा हुआ है। जब हम संधि करते हैं तो विसर्ग का आधा स बन जाता है, तो ऐसे आप यहां पर देख सकते हो। तो शुद्ध रूप में अगर बोलना हो तो क्या बोल सकते हो, आगमा पाइनो नित्या तान तिथि क्षस्व भारत, ऐसा आप यहां पर बोल सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्शा, मात्रा अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं और उन विषयों से हमें जो सुख इत्यादि प्राप्त होता है उनसे, तू तो शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत अर्थात अनुकूलता, उष्ण अर्थात प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले आगमा पाइनु नित्या, आगमा अर्थात आने वाले और जाने वाले, अनित्या अर्थात अनित्य जो हैं, भारत हे भरत कुल में उत्पन्न हुए अर्जुन, तान तितिक्षस्व, तान अर्थात उन सबको, तितिक्षस्व अर्थात सहन कर। भगवान जी क्या कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों के माध्यम से तुझे अनुकूल और प्रतिकूल सुख और दुख प्राप्त होते हैं, जो सुख और दुख कैसे हैं, आने वाले और जाने वाले, नित्य ठहरने वाले नहीं है, इन सभी सुख और दुखों को तान तिथि क्षस्व इन्हें धारण कर, इसे सहन कर। भगवान जी यहां पर सहन करने की जो विधि है उसे निवेदन करते हैं। तो श्लोक के अंदर हम पहले ये देख सकते हैं कि भगवान जी विषय चलता है देही और देह का, सत और असत का, तो भगवान जी उस विषय को छोड़कर विषयांतर यहां पर करते हैं। अब यहां पर भगवान जी इंद्रियों की तरफ प्रवेश करते हैं कि इंद्रियों से जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं उसे सहन करो। तो इसका कारण क्या है कि भगवान जी को पता है कि यदि केवल विचार पर ज्ञान दिया, आचार पर ज्ञान नहीं दिया तो भी क्या होगा, अर्जुन भ्रमित हो जाएगा, इसे थ्योरिकल जो ज्ञान है वो नहीं देना, प्रैक्टिकल ज्ञान भी साथ में देते रहना है। तो पहले भगवान जी थ्योरिकल जो स्टडी है वो करवाते हैं, अब भगवान जी इन दो श्लोकों के अंदर प्रैक्टिकल स्टडी करवा रहे हैं। भगवान जी कहते सहन करो, पहले थ्योरी पढ़ो फिर उसके ऊपर आचरण करो। तो यहां पर भगवान जी क्या कहते हैं कि मात्रा स्पर्शा, मात्रा किसे कहते हैं कि जिनसे मापा जाता है, तोला जाता है, अर्थात जिन साधनों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें मात्रा कहा जाता है। वो साधन कौन से हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और चार चातुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के अंदर जब भी मात्रा शब्द आए तो आपने क्या समझना है, इंद्रियां।
शब्दों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि जिस लेवल की हम स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी के अंदर प्रत्येक शब्द को लेवल के हिसाब से बहुत उत्तम शब्दों से बोला हुआ है। तो यहां पर इंद्रियां इत्यादि को कहा जाता है मात्रा, और स्पर्श किसे कहा जाता है, इन इंद्रियों को के माध्यम से जो भी हमें सुख दुख प्राप्त होता है, इनके संयोग से जो विषय हमें प्राप्त होते हैं उन्हें स्पर्श कहा जाता है। तो ऐसे मात्रा स्पर्शा, अर्थात इंद्रियां और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले विषय भोगों को मात्रा स्पर्शा कहा जाता है। तो भगवान जी यहां पर अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इन इंद्रियों के माध्यम से, इनके विषयों के माध्यम से शीतोष्ण सुख दुखदा, तुझे शीत और उष्ण, शीत कहते हैं सर्दी को, उष्ण कहते हैं गर्मी को। तो यहां पर अर्थ हमें ये नहीं करना, क्योंकि यदि इन शब्दों का अर्थ सर्दी गर्मी करा तो अर्थ क्या निकलेगा, केवल जो त्वचा इंद्रिय का विषय है उसके विषय में भगवान जी बोलते हैं। लेकिन यहां पर अर्थ क्या है, शीत अर्थात प्रतिकूलता, शीत अर्थात अनुकूलता, उष्ण अर्थात प्रतिकूलता, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो अनुकूल और प्रतिकूल हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं, उन सुख और दुखों को प्राप्त करके क्या समझना है, अनित्य। अर्थात मान लीजिए, कल भी आपसे निवेदन किया गया था कि स्थितियां कैसी होती हैं, जब किसी स्थिति को हम अनुकूल बना लेते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है, और किसी परिस्थिति को हम प्रतिकूल बना लेते हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है। तो भगवान जी कहते हैं ये स्थितियां कैसी हैं, अनित्य। जैसी आज की स्थिति है वो कल नहीं रहेगी, जैसी कल की स्थिति है वो आज नहीं रहेगी। तो हे अर्जुन ये कैसी है, अनित्य, इनके अंदर भिन्न भिन्न समय के अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो तुमने स्थिति के अनुसार ना ही सुख को भोगना है ना ही दुख को भोगना है। और कैसे है, आगमा पायनो नित्या, आने जाने वाले हैं। सुख कैसे हैं, आते हैं चले जाते हैं, दुख कैसे हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो ऐसे समझकर तान तितिक्षस्व, इन सभी को सहन करो। अगर सुख प्राप्त हुआ तो सुख को भी सहन करो, दुख प्राप्त हुआ तो दुख को भी सहन करो। याद रखो, सुख को भी सहन करना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि किसी एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, और जब उसे फोन आया उसने सुना कि इसको 1 करोड़ की लॉटरी लगी और वो मर गया। अर्थात सुख उसको सहन नहीं हुआ, और वो जय जय गोपाल। और कभी किसको पता चला मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, वो दुख सहन नहीं हुआ, वो भी मर गया। अर्थात सुख को भी सहन करने की कला सीखो और दुख को भी सहन करने की कला सीखो। क्योंकि अक्सर करते क्या है, सुख के अंदर हम उछलना शुरू कर देते हैं और दुख के अंदर एक जगह पे बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। और यही भगवान जी कहते हैं कि पदार्थ कैसे हैं, कि इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, हमें सुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, लेकिन कैसे हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं, नित्य हैं, अनित्य हैं। तो इनको सोचकर तान तितिक्षस्व, इन सभी भावों को सहन करके समभाव के अंदर आ जाओ, बैलेंस के अंदर आ जाओ। कि हे अर्जुन कैसे है, सुख प्राप्त हो जाए तो उसके अंदर ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, दुख के अंदर आ जाओ उसके अंदर भी ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। जब सुख और दुख को सहन करने की कला तुझे आ जाएगी, समभाव के अंदर रहने की कला तुझे आ जाएगी, तो तुझे क्या है, इन सबको मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि उस समय क्या है, अशोच्यान शोक समाप्त हो जाएगा, तू धीर बन जाएगा, तू ज्ञान से युक्त हो जाएगा, और तुझे ना ही सुख प्रभावित करेंगे ना ही दुख प्रभावित करेंगे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को शोक से निवृत्त होने के जो साधन हैं, उपाय हैं,
वो भगवान जी बताते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।